हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू जो 4 जुलाई को हुआ है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन था पूछा गया वो है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उसमें क्या प्रयोग किया गया था, मतलब कि वो के जब बना था कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के, तो उसमें क्या लगा हुआ था ऐसा चीज़, तो वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर लगा हुआ था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। मेमोरी किससे बनती है, तो मेमोरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनती है। अगला जो क्वेश्चन था कंप्यूटर का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम किसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस के समूह, इंस्ट्रक्शन के वह समूह मतलब सूचनाओं के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है वो प्रोग्राम कहलाता है। मतलब कि सूचनाओं के वह समूह जो होता है, जो ग्रुप है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसका वह समूह जो कि कंप्यूटर को भेजता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, HTML किसका संक्षिप्त रूप है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। ये सब जितने भी देख रहे हैं आप, ये फुल फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है उसे तो एकदम रट ही लीजिएगा, और वैसे भी ज़्यादा नहीं, दो तीन, सिर्फ 2 या 3 बार अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो आपका टोटल क्वेश्चन कंटेस्ट याद हो जाएगा, आपको दोबारा उसे ना ही पेन कॉपी उठाकर लिखने की ज़रूरत है, तो आपको इसी तरह से याद हो जाएगा एक दो बार 3 बार आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो। अगला, हाँ, इसमें यह है कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो, छायावाद युग का प्रारंभ किस सन में हुआ था, तो छायावाद युग का प्रारंभ जो हुआ था वो 1918 में हुआ था। तो छायावादी कवि मतलब कि छायावाद का युग किनके जन्म के साथ माना जाता है, तो अगर ये पूछ देता है तो वो जयशंकर प्रसाद के जन्म से ही, मान लीजिए उनके काव्य लेखन के समय से ही छायावाद युग का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उज्ज्वल में कौन सा संधि है, तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। ये सब हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो लोग ग्रेजुएशन में हिंदी लिए थे उन लोग से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर धन ईस में कौन सा संधि है, तो नर धन ईस बराबर नरेश हो जाएगा, तो नरेश में यहाँ पर अधन ई मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला है इसमें, गोस्वामी तुलसीदास के किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताओ, तो गोस्वामी तुलसीदास के 3 रचनाओं के नाम, पहला है रामचरितमानस, दूसरा दोहावली, तीसरा गीतावली और विनय पत्रिका चौथा है। आगे चलिए देखते हैं, ये देखिए मेरा YouTube का लिंक है, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैथ से था, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक गोला जो है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये आर है। यदि गोले को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठों का योग क्या होगा, तो गोला के दोनों भाग अगर इस 2 बराबर भाग में बांटा जाता है और दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठ का योग क्या होगा, तो वो होगा 6 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वर्ष में मिश्र धन 12.10 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या होगा, मतलब किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में मिश्र धन अगर 12.10 रुपये मतलब कि 12 रुपये 10 पैसे हो जाता है, तो वह धन क्या होगा, तो ये आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सेल में
मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या होगा? तो एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F8। ऑल्ट प्लस F8 को अगर हम दबाएंगे तो मैक्रोज खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन यूपी से पूछा गया था रिलेटेड, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला बताओ। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है, जहाँ पर सिर्फ एक ही सीट है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है उन्नाव है। और उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला बताओ। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है। तो उत्तरी जिला पूछा गया, तो साथ में दक्षिणी जिला भी पूछ दिया गया। तो दक्षिणी जिला सोनभद्र होता है हो जाता है। और अगर पूर्वी जिला पूछता है तो पूर्वी जिला बलिया है। और पश्चिमी पूछता है तो इस समय नया नया पश्चिमी जिला जो है बना है वो है शामली, जो कि पहले मुजफ्फरनगर था। आइए आगे चलिए देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को? तो हार्मोन्स कहते हैं। अगला था क्वेश्चन, कॉमर्स वाले से ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताओ। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व को ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला था पूछा गया, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? तो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। यह हम ओ का मात्रा होगा, छूट गया है थोड़ा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। अगला था मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। और भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। और ये मेरा साइट है, ये लिंक इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन, गूगल पर भी आप डालिएगा तो मिल जाएगा। और वहाँ से आप पीडीएफ की अगर ज़रूरत हो तो पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। पूछा गया था जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। यह सम्मेलन लंदन में कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन यह सम्मेलन फीका साबित हुआ था, यानी कि यह सम्मेलन असफल हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिए है क्वेश्चन, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो टाइफाइड रोग होता है तो उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है आहार नाल। आहार नाल प्रभावित हो जाता है और जिसकी वजह से हम कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं तो वो मतलब कि खाना वगैरह अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आहार नाल प्रभावित हो जाता है टाइफाइड की वजह से। एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इसमें और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पिछले वीडियो में मैंने वो बना दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने इसे दोहराया नहीं है क्योंकि वीडियो में बार बार एक ही चीज़ डालना अच्छा नहीं होता है। तो मैंने उसके लिए पिछला जो भी इंटरव्यू का वीडियो बनाया है तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे आपको मिल जाएंगे जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और महत्वपूर्ण सूचना एक तो यह है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।